अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल फॉर सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। कोर्स टीचर इज़ इंजीनियर खालिद इब्राहिम एंड लैब इंस्ट्रक्टर इज़ इंजीनियर अदनान सलीम मुगल। वी आर इन वीक 3 फॉर फेज 2 एंड लैब टाइटल इज़ डायोड VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स आर टू ड्रॉ द VI कर्व ऑफ अ डायोड। सो व्हाट इज़ डायोड? VI कर्व ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डायोड। सो डायोड इज़ बेसिकली टू टर्मिनल डिवाइस। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायोड इज़ डिफाइंड एज टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट ओनली कंडक्ट्स करंट इन वन डायरेक्शन एज लॉन्ग एज इट इज़ ऑपरेटेड विद इन अ स्पेसिफाइड वोल्टेज लेवल। एन आइडियल डायोड विल हैव जीरो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन एंड इनफिनिट रेजिस्टेंस इन द रिवर्स डायरेक्शन। So its one terminal is known as anode and another terminal is known as cathode. So diode एक वो डिवाइस है जी कि जो आपके पास सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करवाता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं करवाता। So there are basically two modes of operation for this diode. One is forward biased and another is reversed biased. So what is forward biased? As you are जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस एक डायोड के दो टर्मिनल्स हैं, one is known as anode एंड अनदर इज नोन एज कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम एनोड कह रहे हैं जी, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम कैथोड कह रहे हैं। ये इसकी हमारे पास सिम्बॉलिक डायग्राम है, और जो नीचे मेरे पास ये सिलेंड्रिकल टाइप चीज़ है ये इसकी प्रैक्टिकली डायग्राम है। अगर आपने हाथ में इस डायोड को देखेंगे तो आपको ऐसी चीज़ को नज़र आएगी जिसके दो टर्मिनल होंगे। एक साइड पर स्ट्रिप लगा हुआ है सिल्वर कलर का, दैट स्ट्रिप रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव पोर्शन कैथोड साइड। और जो ब्लॉक पूरा आपके पास ब्लैक कलर का है आपके पास, ये आपके पास एनोड को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड? अ डायोड कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस्ड इज़ वन इन विच द पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज़ कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ द डायोड एंड द नेगेटिव और ग्राउंड ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज़ कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ द डायोड। व्हेन अ डायोड इज़ कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस्ड करंट फ्लोज थ्रू द डायोड एंड इट कंडक्ट्स। सो बेसिकली ये दो तो मेरे पास डायग्राम्स होगी, एक सिम्बॉलिक डायग्राम है और एक प्रैक्टिकल डायग्राम है। अगर इसको आप बुक के हिसाब से देखेंगे तो आपके पास इस किस्म के एक डायग्राम है जिसमें एक पी रीजन है एक एन रीजन है, उन दोनों के दरमियान में आपके पास एक ये सिंपल जो येलो कलर का रीजन है दैट रिप्रेजेंट्स द डिप्लीशन रीजन। ये डोपिंग आपने सारी देख ली हुई है। तो डोपिंग में पी रीजन और एन रीजन्स को देखने के बाद आपके पास इसको फॉरवर्ड बायस में लाने के लिए दिस पी रीजन इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दैट एनोड, दो पॉजिटिव टर्मिनल है तो हम पी से रिप्रेजेंट पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो एन रीजन है दैट इज़ बेसिकली कैथोड, इसको हमने नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया है। सो आप पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आप वोल्टेज सोर्स को ऑन करेंगे तो आपके पास आपका डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो जाएगा और आपके पास करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। सो ये जो सेंटर में चीज़ है दैट इज़ नोन एज अ पोटेंशियल बैरियर। दिस रीजन इज़ नोन एज अ पोटेंशियल बैरियर। आपके पास जो मटेरियल्स हैं जिन मटेरियल से आप डोपिंग करते हैं वो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। तो अगर आपके पास सिलिकॉन का डायोड है तो आपके पास ये पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट्स के बाद ओवरकम हो जाएगा, और अगर ये जर्मेनियम का है तो ये आपके पास 0.3 वोल्ट्स के बाद ब्रेक ओवर होगा आपके पास जी। सिलिकॉन 0.7 वोल्ट्स पे जी ऑपरेट करेगा, और जो जर्मेनियम है आप जी ई सी रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ बेसिकली वर्क करेगा आपके पास 0.3 के बाद आपके पास ये जो पोटेंशियल बैरियर है या जो पोटेंशियल गैप है या पोटेंशियल डिफरेंस है ये ओवरकम हो जाएगा। सो फॉरवर्ड बायस करने के लिए आपने पी रीजन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, एन रीजन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है, आपके पास आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अगर आपने रिवर्स बायस में करना है तो आप इन चीज़ों को इन्वर्स कर दें, अपने पी रीजन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें और एन रीजन को आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें। जस्ट लाइक दिस कि आपने पी रीजन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है और एन रीजन को आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है। सो इन दिस केस आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन देयर विल बी सम लीकेज करंट। लीकेज करंट क्यों है कि डायोड की कंस्ट्रक्शन इस किस्म किया है कि उसमें आपके पास जो मटेरियल्स हैं डोपिंग में, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव के चार्जेस ज़्यादा हैं, दीज आर नोन एज होल्स, और यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं एन रीजन में, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। जब आप N को N से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी आपके पास
नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि मेरे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो आपके पास ये जो सेंटर में डिप्रेशन रीजन है, करंट फ्लो ना करने की वजह से ये आपके पास वाइडर होता जाएगा। ये सारी की सारी क्लास में आपने चीज़ें देख ली हुई होगी, हम जस्ट उसको एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं। सो फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड दोनों चीज़ें हमने देख ली हैं जी। उसके बाद हमारे पास आता है जी वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड। सो उसके पहले हम देखते हैं जी कि वी ए करेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर फॉरवर्ड बायस्ड, के फॉरवर्ड बायस्ड में आपके पास क्या बनेगा कर्व। अभी हमने देखा जी कि फॉरवर्ड बायस्ड में जब आपने देखा कि आपने डायोड को फॉरवर्ड की कंडीशन में लगाया है तो आपके डायोड से कुछ करंट फ्लो करेगा। सो ये मेरे पास जो डायग्राम बनी हुई है, जो डायग्राम ए रिप्रेजेंट कर रही है जी मेरे पास, सो आपके पास ये एक डायोड है ये वाला जी। इस डायोड के दो टर्मिनल्स थे, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड का एंड दिस वन इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। सो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करने के लिए पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, नेगेटिव को आपने नेगेटिव से कनेक्ट करना है। सो जस्ट लाइक पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, अब हमने बीच में बेसिकली दो चीज़ें इंसर्ट की हैं। दिस इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर चूँकि आपके सर्किट के पैरेलल में आता है तो इसीलिए हमने डायोड के अक्रॉस ये लगा दिया है जो आपके पास वोल्ट मीटर है। और आपके पास दिस इज एम मीटर जो आपके पास एम्पेयर्स मेजर करेगा। सो ये एम मीटर है, एम मीटर या आपके पास करंट मीटर हमेशा आपके सर्किट के सीरीज़ में आता है तो हमने डायोड के साथ इस आपके एम मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि डायोड में से फ्लो होने वाला करंट आपने मेजर करना है तो आपके पास डायोड के सीरीज़ में एक एम मीटर होना चाहिए जो आपको डायोड से पास होता करंट शो करेगा, क्योंकि जब दो चीज़ें सीरीज़ में हैं होती हैं तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। तो इस डायोड में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम एक मेजरिंग डिवाइस लगा लेते हैं जो एम मीटर है, उसके डायोड के साथ सीरीज़ में लगाएंगे तो डायोड से पास होता हुआ करंट जितना भी होगा वो इस एम मीटर से गुजरेगा और डिफ्लेक्शन के थ्रू आपको पता चल जाएगा जी कि इस डायोड से कितना करंट पास हो रहा है। सो फॉरवर्ड बायस कंडीशन के लिए आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज़ वोल्टेज बायस बेसिकली, ये जो आपको बता रहे जी कि आपके बैटरी के वोल्ट्स कितने होंगे। हम चूँकि चेंज करते रहेंगे अपने सेटअप को तो हम डिफरेंट वैल्यूज़ पर डिफरेंट आपके रिजल्ट्स देख लेंगे। सो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सिलिकॉन का डायोड है जिसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 का है, तो ऑब्वियसली बात है कि 0.7 से पहले पहले मेरे पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब मेरे पास वोल्टेजेस 0.7 से ऊपर जाएंगे तो मेरे डायोड में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले पहले मेरे पास बिल्कुल बारीक बारीक सा करंट फ्लो करेगा। ये देखेंगे आप जी, अब ये जो मेरे पास ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर ऊपर, ये डायग्राम ए में वी आई करेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, दिस वाज द 0.00 पॉइंट टर्मिनल। जब आपके पास अप्लाइड वोल्टेजेस कुछ भी नहीं है तो आपका इनपुट जीरो है, आप जैसे जैसे वोल्टेजेस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास कुछ ना कुछ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास एक पॉइंट आएगा दैट इज़ नोन एज 0.7 वोल्ट्स का। जब आपके पास एक पॉइंट आएगा दैट इज़ कि आपका डायोड का जो पी एन जंक्शन के दरमियान में डिप्लीशन रीजन है वो डिप्लीशन रीजन ओवरकम हो चुका है, अब आपका सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है, कोई रेजिस्टेंस उसके सामने नहीं है, तो 0.7 के बाद आपके पास करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ तक बढ़ता रहेगा जहाँ तक आपके डायोड की लिमिट्स हैं या जो आपके डायोड के मैन्युफैक्चरर ने आपको बताया है जी कि आप इससे ज़्यादा अपने डायोड को वोल्टेजेस या करंट्स पास इससे नहीं करवा सकते। सो मेरे पास आपने स्टार्ट किया जीरो से और आप इसको 0.7 तक ले गए तो आपके पास 0.7 के बाद आपके डायोड से मैक्सिमम करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा जी, तो आप उसके बाद अपने सेटअप को इस तरह चेक कर सकते हैं। तो डायोड को फिलहाल आपने चेक किया जी कि आपके पास अगर सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7 का वोल्टेज ड्रॉप है, 0.7 के बाद आपके पास करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक आपके पास ये चीज़ गिवन है इस डायग्राम में, बी डायग्राम में देख लें, आपके पास सेम वही डायग्राम है, 0.7 वोल्ट्स उसने आपको बताए हैं जी। 0.7 के बाद आपके पास आपका जो IF है करंट, ये देख लें पहले यहाँ पर 0.7 से पहले पहले कुछ करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ पर आपके पास 0.7 नहीं पहुँचा था अभी तक इस डायग्राम पे, इस एम मीटर में जहाँ पर अभी मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो इस 0.7 यहाँ पर अभी नहीं पहुँचा था, तो कुछ यहाँ से IF करंट फ्लो कर रहा था जी, जो करंट फ्लो कर रहा है उसको IF मिली एम्पेयर में ले रहे हैं। और इस डायग्राम में देखें, डायग्राम बी में जहाँ पर भी मेरा कर्सर मूव कर रहा है जी, यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि 0.7 वोल्ट्स मेरे पास डायोड से या मैंने वोल्टेज बायस से 0.7 वोल्ट्स दे दिए हुए हैं। 0.7 वोल्ट जब इसने यहाँ मेजर कर ली है वोल्टेज अक्रॉस डायोड, अगर 0.7 आ चुके हैं इसका मतलब यह था कि वोल्टेज ड्रॉप 0.7 का आना था और वो आ चुका है,
उसके बाद आपके पास ये दिस डायोड विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेट वायर, उसके पहले पहले आपके पास ये एक रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। उस रजिस्टर की रजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए यू नीड टू हैव 0.7 वोल्ट्स। और उसके बाद आपके पास ये देखें आपके पास मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है जो आपके एम मीटर शो कर रहे हैं। सो दिस वाज इन केस आपके पास जब आपने बनाना था जी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, आपने फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये वैल्यूज सारी नोट कर लें, जीरो से लेके आप 0.7 के दरमियान में अगर 0.7 वैल्यूज लें, आप 7 वैल्यूज लें, 0 वोल्ट्स, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7 लें, तो 0.7 पर आप देखेंगे कि आपके पास मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है और आपके पास ऐसा ही एक ग्राफ बन जाएगा। बेसिकली आज की लैब में हमने ये ग्राफ ही बनाने की कोशिश करनी है। ये जो ग्राफ यहाँ पर आपके पास गिवन है ये ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हम इनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे अपने सिमुलेशंस के थ्रू कि ये कैसे बन सकते हैं। सो दिस वाज इन केस ऑफ जब हमने फॉरवर्ड बायस कंडीशन देखी थी। सो व्हाट विल बी द वीआई कर्व इन केस ऑफ रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में आपको पता चल चुका है जी कि रिवर्स बायस में बेसिकली दिस इज अवर डायोड, ये डायोड का मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये डायोड का मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है। अगर इसका आप सर्किट कंप्लीट कर लेंगे तो एक मेरे पास एक लिमिटिंग रेजिस्टर हमें लगाना है, इसका सिर्फ करंट लिमिट करने के साथ तलक है और कोई तलक नहीं जिसका। इसको आपने जोड़ देना है नेगेटिव के साथ और इस टर्मिनल को नेगेटिव वाले को आपने जोड़ देना है पॉजिटिव के साथ। दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ बेसिकली वी बायस जिस तरह अभी हमने पीछे देखा है जी। सो ये वी बायसिंग की वोल्टेज है हमारे पास जी, हमारे पास ये आप इसको कहीं तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि आपके पास ब्रेक डाउन वोल्टेजेस कहाँ तक आते हैं। दिस इज लिमिटिंग रजिस्टर आर, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जब आप अपने डायोड को इस सेटअप में लगाएंगे तो आप ये देख सकते हैं जी कि पॉजिटिव टर्मिनल को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, नेगेटिव टर्मिनल को आपने पॉजिटिव कनेक्ट किया है। तो चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो आपके पास है पी रीजन में है, इसमें मेरे पास पॉजिटिव के पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, तो अगर मैं नेगेटिव को लगाऊंगा इसके साथ तो ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव चार्जेस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और नेगेटिव को अगर पॉजिटिव के साथ लगाऊंगा तो नेगेटिव को पॉजिटिव ने अट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे जैसे ये कह रहे हैं कि व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड देयर इज़ ओनली एन एक्सट्रीमली स्मॉल रिवर्स करंट थ्रू द पी एन जंक्शन with 0 volts across the diode, there is no reverse current. As you gradually increase the reverse bias voltage, there is very small reverse current and the voltage across the diode increases. When the bias applied bias voltage is increased to a value where the reverse voltage across the diode reaches the breakdown value, the reverse current begins to increase rapidly. ये मेरे पास ये जो इस डायग्राम में गिवन है, दिस इज बेसिकली वी बी आर, दिस इज बेसिकली ए रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेजेस जिसको आप नी वोल्टेजेस भी कहते हैं। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि जैसे जैसे आप अपना बायस वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं इन रिवर्स पोलैरिटी, तो आपके पास जो यहाँ पर इसके बीच में एक पोटेंशियल बैरियर था वो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता जा रहा है। तो पोटेंशियल बैरियर जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है आपके डायोड की लिमिट्स इंक्रीज होती जा रही हैं। सो अभी भी वो ये कह रहा है कि आपके पास कुछ थोड़ा सा रिवर्स करंट इन माइक्रो एम्पेयर फ्लो कर रहा होगा जी। वो इसलिए फ्लो कर रहा होगा कि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि आपके डायोड की कंस्ट्रक्शन में ऐसे है कि कुछ यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस होंगे जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे और कुछ यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे इस नेगेटिव वाली साइड पर, कि दोज आर माइनॉरिटी कैरियर्स। सो बेसिकली हमने माइनॉरिटी कैरियर्स और मेजॉरिटी कैरियर्स को जहन में भी रखना है। तो जहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इस टर्मिनल के साथ, ऑब्वियस ही बात है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। सो ये फ्यू चार्जेस होंगे, जिन फ्यू चार्जेस की वजह से आपके पास कुछ एक रिवर्स करंट फ्लो करता रहेगा जी। वो ये है जो रिवर्स करंट कुछ देर के लिए फ्लो करेगा, लेकिन जैसे ही आपके पास आपके डायोड का ब्रेक डाउन पॉइंट पहुंच जाएगा जी, और ब्रेक डाउन का पॉइंट जैसे ही पहुंचेगा उसके बाद आप देखेंगे कि आपके डायोड में से रैपिडली करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है। इस रैपिड करंट फ्लो करने का मतलब ये है जी, तो इस रैपिड करंट फ्लो करने का मतलब ये है कि आपके पास आपके जो डायोड है उसका रिवर्स ब्रेकडाउन पॉइंट आ चुका है, और रिवर्स ब्रेकडाउन पॉइंट में आपका रजिस्टर या आपका सॉरी आपका डायोड ज़्यादा देर काम नहीं कर सकेगा, इसीलिए उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और कुछ टाइम के बाद आपका डायोड जो है वो बर्न आउट हो जाएगा और आपके जो डिवाइस है वो ख़राब हो जाएगी। सो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड बायस वोल्टेज इज इंक्रीज टू अ वैल्यू वेयर द रिवर्स वोल्टेज
across the diode reaches the breakdown value. The reverse current begins to increase rapidly. As you continue to increase the bias voltage, the current continues to increase very rapidly, but the voltage across the diode increases very little above VBR breakdown. With exceptions, it's not a normal mode of operation for most of PN junction devices, क्योंकि इसमें वो फिर abrupt behavior आपको show करना start कर देगा जी. अब अगर आप इस डायोड के जो दोनों डायोड की कर्व्स आपने देखी थी, जो फॉरवर्ड बायस के लिए हमने कर्व ये बनाई है और रिवर्स बायस के लिए कर्व हमने ये बनाई, अगर आप दोनों को इकट्ठा एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेंगे तो इस किस्म का प्लॉट कुछ आएगा. लेकिन आप देखेंगे कि जो आई एफ है आपके पास, दैट विल बी इन मिली एम्पेयर्स. और ये जो आपने आई आर बनाया है जो रिवर्स में आएगा, दैट विल बी इन माइक्रो एम्पेयर्स. तो आप ये देखेंगे जी पोटेंशियल बैरियर दैट इज 0.7, बट दैट इज़ इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड वी बी आर पॉइंट. आपके पास कुछ भी पॉइंट वैल्यूज आ सकते हैं. अब हमने डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को भी तो यहाँ पर देख लिया, अब हम इसको अपने सिमुलेशन में जाके बना के देखते हैं जी कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं. सिमुलेशन के लिए आपके पास सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एल टी स्पाइस है, ये उसका एड्रेस है जी. So this is LT Spice. For this we are going to have a new schematic. New schematic में what we need a diode. हमने यहाँ से डायोड सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल आर सी की रोटेशन आप इसकी चेंज कर लेंगे पोजिशन. देन वी है नीड ए रजिस्टर, वी पुट ए रजिस्टर ओवर हेयर. वट वी नीड अगेन, वी नीड अ वोल्टेज. सो वोल्टेज, दिस इज़ द वोल्टेज सोर्स, ओके कर लेंगे. एंड वी पुट वोल्टेज सोर्स ओवर हेयर. नाउ लेट्स ज्वाइन देम ऑल. सो पुट अ ग्राउंड, ग्राउंड पुट कर लें जी. ग्राउंड को लगा लें अपने सर्किट में. राइट क्लिक करें इस रजिस्टर पर, इसकी वैल्यू देख लें, लेट्स सपोज़ 1K. एंटर कर लें. इस पर डायोड पर डी पे क्लिक करेंगे. दिस इज सिंपल अ डायोड आपके पास आ रहा है जी. इफ़ यू वांट टू पिक अप न्यू डायोड तो पिक अप न्यू डायोड कर लें. आपके पास बहुत सारे डायोड्स हैं जी. 4148 दैट सिलिकॉन डायोड, लेट्स सपोज वी आर यूजिंग दिस वन. सो ये यूज़ कर लें. नाउ वी नीड वोल्टेज सोर्स. नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या वोल्ट्स रखने चाहते हैं. लेकिन उसके पहले पहले हम ये चीज़ देख रहे हैं जी कि हमने इसको चेक कैसे करना है. सो वी नीड, सबसे पहले यहाँ पुट कर लें जी. लेट्स सपोज आई एम पुटिंग इट एज अ 0.5 वोल्ट्स. 0.5 वोल्ट्स मैंने यहाँ पुट कर लिए जी. यहाँ से आप इसको रन मोड पर लेकर जाएंगे. सो लास्ट टाइम जो चीज़ चेक कर रहे थे दैट वाज इन ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट के बाद हमारे पास है एसी एनालिसिस, देन वी हैव डीसी स्वीप, वी हैव नॉइज, वी हैव डीसी ट्रांसफर. आज हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो है डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट. डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट पर रखें, डॉट ओपी की एक्सटेंशन आपके पास आ चुकी है. इसको ओके करेंगे तो आपका जो सर्किट आपको बता रहे जी कि इट मीन्स कि आप डॉट ओपी मीन्स आप डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट पर इसको चेक करना चाह रहे हैं. हमने बेसिकली इस डायोड के ऑपरेशंस को चेक करना है कि डायोड कैसे ऑपरेट करेगा जी इन दोज कंडीशंस. तो आप यहां से इसको रन पे क्लिक करेंगे. सो VN001 VN002, वन इज़ गिविंग यू 0.5, अगेन वन इज़ गिविंग यू 0.05 वोल्ट्स, वन इज़ गिविंग यू IDI मीन्स करंट थ्रू DI, IR1 करंट थ्रू R1, I वोल्टेज सोर्स के क्या करंट्स हैं. ये बहुत सारे ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं इस एक सर्किट के. बिफोर डूइंग दैट लेट्स लेबल अवर नोड्स. सबसे पहले आपके पास लेबल नेट है जी. तो आप लेट्स सपोज दिस इज सोर्स, हम इसको कह लेते हैं जी. सोर्स को ओके करेंगे. सो बेसिकली मैं जिस नोड पर लगा रहा हूँ, दिस इज़ आवर सोर्स. ये सोर्स नोड था हमारे पास, इसको मैंने लेबल कर लिया है जी. इसको मैं कह सकता हूँ जी कि दिस इज
वोल्टेज इज़ एट आर, सो इट्स वी आर। सो इस नोड पे वोल्टेज इज़ एट वी आर है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा जी, सो व्हाट दिस इज टेलिंग मी कि वी सोर्स इज़ 0.5 वोल्ट्स, दैट इज़ गुड। हमारे पास वी सोर्स पे 0.5 वोल्ट्स हैं जी। वी आर पे 0.005 दिखा रहा है जी, जी बिल्कुल दिखा रहा है जी। अगेन आई थ्रू D1 डायोड से जो मेरे पास करंट पास होता दिखा रहा है, दैट इज़ टेलिंग मी पॉइंट अप टू माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 0.05, मीन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट, कोई करंट नहीं है ये। आई थ्रू R1 इज़ द सेम एज D1, सो आई थ्रू V1 जो मेरे पास वोल्टेज का बेसिकली करंट आ रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर ये दिखा रही है। सो ये पॉइंट्स आपने नोट करते जाना है कि 0.5 पे आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ओके, इसको चेंज करते जाएं जी, लेट्स सपोज इसको 0.6 करके ओके करेंगे, इसको यहाँ से रन करें। अगेन आपके पास एक नया स्टैंडर्ड आ चुका है, आपके पास एक नए सोर्सेज की वैल्यूज आ चुकी हैं। सोर्स पे 0.6 है, वोल्टेजेस वी जो आर से जो आ रहे हैं आपके पास वो इतने आ रहे हैं, करंट थ्रू आपके पास जो D1 से, अब आपके पास आपकी डिवाइस से कुछ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। इन माई ओपिनियन इट विल बी लाइक 0.1 मिलियम पेयर और 1 मिलियम पेयर, जस्टिंग लाइक दैट, अगर आप उसको मिलियम पेयर में कन्वर्ट करेंगे इस एक पॉइंट को। सो यू नीड टू राइट डाउन दोज थिंग्स, आपने अपने पास चीज़ें एक ग्राफ पे या एक पेपर पे नोट करते जाना है। ओके, अब मैं अगर V1 को 0.7 कर दूं जी, अगर आप इसको रन करके देखें जी, तो वोल्टेज वी सोर्स पे आपके पास 0.7 है, वी आर पे आपके पास वोल्टेज 0.19 आ रहे हैं, और आपके पास आपके सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है जी। ये आप देख लें, आपके पास आपके सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। सो जैसे जैसे आप अपने पास वोल्टेजेस को इंक्रीज़ कर देंगे, लेट्स सपोज आई एम हैविंग 1.5 वोल्ट्स, ओके करें, इसको एंटर करें आप। सो वोल्टेज सोर्स जो आपके पास आ रहा है जी, 1.5 आ रहा आपके पास टोटल, और आपके पास 0.9 आपके पास वी आर पे वोल्टेजेस आ रहे हैं। इट मींस कि अगर 1.5 और 0.9 को माइनस करें तो ऑलमोस्ट 0.6 के बाद आपका डायोड ने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। वोल्टेजेस अक्रॉस डायोड अगर आप देखना चाहेंगे तो सोर्स माइनस वी आर करें, दिस सोर्स माइनस वी आर करें आपके पास, तो आपके पास 1.5 माइनस 0.9 करें तो 0.6, मींस 0.6 पर इस डायोड ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और आपके पास करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। सो आपके पास करंट थ्रू D1 डायोड से जो करंट फ्लो कर रहा है और जो रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है, दैट विल बी द सेम वन, तो इट इज़ आई गेस 0.9 मिलियम पेयर्स आ रहे हैं आपके पास जी। सो जैसे जैसे आप अपने DC पॉइंट्स इसके चेंज करते जाएंगे, लेट्स सपोज 2 वोल्ट्स कर लें और उसको आप एंटर करें, तो आपके पास वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं जी। आपके पास करंट, आपके पास वोल्टेजेस एट सोर्स 2 हैं, वोल्टेजेस एट वी आर 2.3 हैं, 1.3 है सॉरी, और आपके पास आपके डायोड से जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ 0.01 मिली एम्पीयर। तो आपके पास आपका करंट इंक्रीज़ होता जा रहा है जी। आप इसको फर्दर इंक्रीज़ करते जाएँ, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग इट टू 3.5 वोल्ट्स, और आप इसको रन करें जी, आपके पास 3.5 वोल्ट्स, वी आर पर 2.86 वोल्ट्स, आपके पास जो करंट आ रहा है दैट इज़ 0.0286 आ रहा है। तो आप इसको डिफरेंट वैल्यूज़ पर, डिफरेंट पॉइंट्स पर टेस्ट करें, 5 वोल्ट्स पर ले जाएं, आप इसको चेक करें आपके पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं जी। सो आपके पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं जी। ठीक है जी, ये तो अभी हमने जो बात की सारी की सारी वो हमारे पास थी जी। उसके लिए आपके पास, सो दिस वॉज आवर टेस्ट। अभी तक हमने जो टेस्ट किया था जी, सिर्फ हमने इसको किया है फॉरवर्ड बायस के लिए। नाउ लेट्स डू इट फॉर द रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस करने के लिए आपने अपने पोटेंशियल टर्मिनल्स को चेंज करना है। सो क्लिक ऑन अ मूव ऑप्शन, दिस इज़ द मूव ऑप्शन, मूव ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने इस एरिया को सिलेक्ट करें, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास आपका ये जो एक डिवाइस है, ये जो भी टर्मिनल है मूव हो रहा है। कंट्रोल आर से इसकी रोटेशन चेंज करें एंड पुट इट लाइक दिस थिंग, एंटर करें, और इसकी पहले आप प्रेस स्केप, आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। वैल्यूज़ आप सबसे पहले इस पर 1 डाल दें जी, एंटर करें, अपने DC ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए इसको आप रन करके देख लेंगे जी। तो -2.5 टू पावर -0.6 जो आपके पास आ रहा है जी, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 10^-9, इट्स गिविंग यू ए नैनो टाइप ऑफ करंट, 10^-9 इज़ गोइंग टू नैनो। सो स्टार्ट में ही आपके पास करंट जो है बिल्कुल, अगर आप उसको माइक्रो में लेके आना चाहेंगे तो माइक्रोज में लेके आ जाएं, यूनिट्स कन्वर्ट करके देखते जाएं, तो इट मींस कि आपके पास जो ये करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज़ ऑलमोस्ट नियर टू नेग्लिजिबल।
सो अगर आप इसको 5 वोल्ट देख के देखेंगे जी, अगेन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट वो अपने आप को स्टेबल किए जा रहा है जी। 5 से अगर आप इसको 10 पर ले जाएं, आप इसको 10 को ऑपरेटिंग पॉइंट 10 पर चेक करें, सेम अब आपके पास कुछ करंट में थोड़ा सा फ़र्क आ चुका है जी। सो जस्ट लाइक दिस आपने ये सारे के सारे ऑपरेटिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेना है जी। नोट डाउन करने के बाद आपने एट द एंड इनको एक ग्राफ पेपर के ऊपर आपने इनको प्लॉट करके देखना है जी कि आपका क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो आपके पास कुछ इस किस्म का ग्राफ बन जाएगा जी। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपने देख लिया कि आपके पास करंट पहले थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से मूव कर रहा है, अगेन 0.7 के बाद वो एकदम से आगे चला जाएगा। और रिवर्स करंट में भी आपके पास कुछ माइक्रो एम्पेयर्स में करंट आ रहे हैं, माइक्रो एम्पेयर जी बिल्कुल आ रहे हैं। और उसके बाद आपके पास जो ब्रेकडाउन पॉइंट आएगा, ब्रेकडाउन पॉइंट पे आपके पास रैपिडली करंट चेंज हो जाएगा जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखनी है सिमुलेशंस में कि आपके पास वो कौन सा पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे आपके पास ये रिवर्स करंट आपके पास आ जाता है। आप जो अपने सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट करेंगे डायोड, लेट्स सपोज हमने जो सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट किया है डायोड जी, दैट इज़ बेसिकली IN4148। अगर आप गूगल पे इसकी डाटा शीट सर्च करेंगे तो IN4148 जो आप सर्च करेंगे तो इसकी डाटा शीट आपको मिल जाएगी। उस डाटा शीट में आप देख लेंगे कि इसके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस मैक्सिमम कितने हैं। तो आप अपने इस डायोड को उस ऑपरेटिंग पॉइंट तक चेक करके देखेंगे इससे क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगेन दिस इज सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में आप 0.7 इसको दे सकते हैं, 0.7 इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है जिस पे आपका पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाएगा। सो ये हमने बेसिकली ग्राफ बनाना था जी। तो ये ग्राफ बनाने के लिए हमने डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट्स बना लिए हैं। अब इसको आपने ट्राई करना है, ऑल दो ये इसमें वो नई चीज़ कोई भी नहीं है कि आपने जस्ट इसको इस तरह ही परफॉर्म करके चेक कर लेना है। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन कोई परेशानी होगी तो इंशाल्लाह हम इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको दोबारा से एक बार देख लेंगे। उम्मीद तो ये है कि आप इस वीडियो को देख कर आएंगे और फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिबेट कर लेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। होप टू सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच जी।